Hello friends, I'm Rahi. In this video, we'll be learning about the general rules for naming organic compound. We are getting start with the naming rules. How will we naming the organic compound? Kya rules isme applicable honge? Kis tarah se har compound ko jisme substituent hoga, jisme functional group hoga, jisme double bond honge, triple bond honge, branching honge, straight chain honge. Kis tarah se hum unko rules ke according nomenclate karenge. So let's begin. ये सब चीजें prefix n, that means normal, prefix iso, prefix neo, मैंने आपको कुछ videos पहले भी बताए थे. अभी I'm just summing up all these three and want to tell you something regarding them. Okay? So some simple branch chain compounds can be named according to common system. अभी जो मैं आपको बताऊंगी ये common system है. It's not an IUPAC nomenclature. या IUPAC nomenclature के according मैं आपको naming नहीं बता रही हूँ. According to the common system मैं आपको इसकी naming बता रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्स n. कि हम n जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, मैंने काफी जगह कंपाउंड्स के अंदर जब मैंने नोमेनक्लेचर कर रही थी तो मैंने कॉमन नेम सिस्टम के अंदर प्रीफिक्सेस n को यूज किया है. तो हमने हम प्रीफिक्स n को कहाँ कहाँ यूज करेंगे. प्रीफिक्स n यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन दैट इज नो ब्रांचिंग. तो प्रीफिक्स n वहां यूज होगा जहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ओनली स्ट्रेट चेन होगी. ठीक है, सो स्ट्रेट चेन जहां पर कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे वहां प्रीफिक्स n को यूज करेंगे जहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे n पेंटेन मैंने किया तो CH3, CH2, 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 CH3, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेट लंबी कॉन्टिन्यूस चेन है कार्बन एटम्स की और इसको हम बोलेंगे n पेंटेन. ऐसे n ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3. इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, सो वी राइट इट एज अ एन ब्यूटेन इन कॉमन नेम सिस्टम. फाइन, नाउ एनहेक्सेन CH3, CH2, 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 CH3, इट्स एन हेक्सेन. सिक्स कार्बन एटम्स इन दिस चेन, सो इट विल बी एन हेक्सेन हैविंग नो ब्रांचिंग. फाइन, नो नाउ हम नाउ विल बी कमिंग टू प्रीफिक्स आइसो. कि हम आइसो को कब यूज करें और कहाँ यूज करें. See, prefix iso is used for those alkanes. उन alkanes के लिए prefix iso use होता है, which contain a methyl group at the second carbon of the continuous chain. Remember this word, second carbon of the continuous chain. इस second को मत भूलना जहां हम prefix iso को use करेंगे. कहीं भी iso आ जाए, and if you want to name it in a IUPAC nomenclature, तो याद रखना prefix iso तभी use होगा जब methyl group कॉन्टिन्यूस चेन में सेकेंड कार्बन पे अटैच होगा. फाइन, तो मैंने यहाँ यही लिखा है प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड फॉर दोज एल्केन्स. उन एल्केन्स के लिए प्रीफिक्स आइसो को यूज करते हैं विच कंटेन अ मिथाइल ग्रुप. मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, मैंने बताया था. मिथाइल कहाँ से ड्राइव होते हैं, एल्केन से. सो CH3 इज अ मिथाइल ग्रुप, दैट मीन्स एल्केन्स विच कंटेन्स मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप एट द सेकेंड कार्बन ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन. जो कॉन्टिन्यूस चेन चल रही है उसमें सेकेंड नंबर वाले कार्बन आइटम पे हमारा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी हम प्रीफिक्स आइसो को यूज करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं CH3, CH, नीचे CH3, CH2, CH3. तो अगर मैं इसे नेम करूँ तो सी 1, 2, 3, 4, ये एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन है हमारी कार्बन की, और जो मेरा सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उसके जस्ट नीचे आई एम हैविंग अ मिथाइल ग्रुप. तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, आइसो. जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो आइसो यूज होगा. और इसमें टोटल में कितने कार्बन आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5. इट इज आइसो पेंटेन. ये मैं नॉमेनक्लेचर आपको बता रही हूँ एल्केन्स के रिगार्डिंग. फाइन, नाउ कमिंग टू दिस दिस एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इन टोटल इट इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स. लेकिन मेरी जो कॉन्टिन्यूस चेन है वो मेरी कॉन्टिन्यूस चेन कौन सी वाली है, आई एम हैविंग दिस एज अ कॉन्टिन्यूस चेन. इसकी नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3. इसकी नंबरिंग की तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन में मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इन कॉमन नेमिंग सिस्टम आई विल बी राइटिंग आइसो एज द प्रीफिक्स एंड देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम्स, सो इट विल बी आइसो ब्यूटेन. नाउ कमिंग टू दिस वन, आई एम हैविंग 1, 2, 3, 4, 5. जो मेरी लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन है 5 कार्बन एटम्स की, उसका सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उसके पास आई एम हैविंग अ मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट. सो इसका प्रीफिक्स भी वही आइसो होगा. और नाउ कम द
Count the total number of carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will be isohexane. So I hope ki aapko prefix N or prefix iso ke baare mein achhe se clarity aa chuki hogi. Theek hai? Now coming to prefix neo ki hum neo ko kab use karenge aur kahan use karenge. Prefix neo is used for those alkanes which have two methyl groups attached to the second carbon atom of the continuous chain. Hamare paas iso mein ek methyl group na jo second carbon atom pe attached tha. Neo mein hamare paas do methyl group honge jo second carbon atom pe attached honge. See, remember the second word. Second carbon atom pe agar ek methyl group hai, to prefix iso use hoga. Aur second carbon atom pe jo ki long continuous, jisse mere paas ek long continuous chain hai carbon ki, uska jo second number wala carbon hoga, us pe agar do methyl group attach honge, to prefix neo use hoga. ठीक है, तो यही लिखा है. Prefix neo is used for those alkanes which have two methyl groups attached to the second carbon atom of the continuous chain. For example, अगर मैं ये example लेती हूँ, ये मेरी continuous chain है. अगर मैं ये भी लूँ, तो भी मेरी continuous chain है. तो अगर मैं naming करती हूँ 1, 2, and 3, second carbon atom पे I have two methyl groups attached as a substituent. ठीक है, तो second carbon atom पे मेरे पास दो methyl groups हैं, तो I'll be having a prefix as neo. Now count the total number of carbon atoms in this compound. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms, so it will be neopentane. Fine. Now I am coming to this one example. Pe. Now found the first long continuous chain. Dekhi, obviously, this is a long continuous chain. Hai. Iska second number wala carbon hai. First, second, third, and fourth. So iska second number wala carbon atom hai. Uspe do methyl groups attached. It's clear. Ke, hum kya use karenge as a prefix? Neo use karenge. Count the total number of atoms. 4 to the atoms hai, 5 atoms, so it will be hexane. Remember one point. Agar branching methyl group ki second carbon pe nahi hai aur kisi aur other carbon pe hai, so we will be not using this common name system as iso or neo, tab usme hum IUPAC nomenclature ka introduction karenge. Theek hai, remember this point. Agar methyl group second carbon ke alawa किसी और कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड है, अटैच है, उस केस के अंदर वी विल बी नॉट यूजिंग दीज प्रीफिक्सेस, वी विल नॉट बी यूजिंग द कॉमन नेम सिस्टम, वी विल बी यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर. उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर का. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनिशियल्स ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. टेक केयर एंड गुड बाय.